हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। हम लोग देख रहे हैं हमारे ज्योग्राफी की सीरीज़, फटाफट इसमें कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कन्वेक्शन थ्योरी के बारे में, और फिर इसी कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा था। इस थ्योरी में आगे हम लोगों ने कंटिन्यू किया था और हम लोगों ने कहा था कि ये थ्योरी अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे हम लोगों ने कंक्लूड किया था और अल्टीमेटली ये किया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और देखते हैं क्या कुछ है हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। उससे पहले हम लोग कन्वेक्शन करेंट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को भी एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे, रिवाइज करेंगे क्या कुछ है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने क्वेरी वगैरह पूछने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हैं और हमारे टेस्ट सीरीज को भी आप ले सकते हैं, और ये सारी कुछ अवेलेबल टेस्ट सीरीज हैं। सबसे पहले अगर प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक कहाँ से आया, उस आने से पहले हम लोग जरा अपने पास्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारी एक वैगनर साहब की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, जहां पर इन्होंने कॉन्टिनेंट मूवमेंट के बारे में बता दिया था। इस कॉन्टिनेंट मूवमेंट में जो इन्होंने बताया था वो प्रैक्टिकल चीज बताई थी और ऑब्जर्वेबल चीज बताई थी। इन्होंने कहा था कि देखिए जो कुछ हो रहा है दिस इज रियल एंड दिस हैपेंस एवरी ईयर, हर साल ये होता रहता है, फ्रॉम द पास्ट ये होते रहा है और आगे भी होता रहेगा। इन्होंने अपना एक मॉडल भी दिया था और बताया था कि देखिए इस तरीके से हमें फ्यूचर में कॉन्टिनेंट का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर इन्होंने जो ड्राइविंग फोर्सेस वगैरह बताए थे वो ड्राइविंग फोर्सेस कहीं ना कहीं इनके प्रॉब्लम क्रिएट किए और अल्टीमेटली इस थ्योरी को हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, इस थ्योरी को हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया। लेकिन इस थ्योरी में कुछ ना कुछ जो है सही बातें थी, कुछ ना कुछ इसमें प्रैक्टिकल और रिलेवेंट बातें थी, और यही रिलेवेंस अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू थ्योरीज को लेकर के आया। और ये जो न्यू थ्योरीज थी वो बेसिकली दो थ्योरी थी, एक थी जो हमारी कन्वेक्शन करेंट की थ्योरी थी और दूसरी थ्री हमारी रिलेटेड विथ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये दो थ्योरी हमारी यहाँ से निकल के आई, जहां पर हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारी कन्वेक्शन करंट की थ्योरी है इसको प्रोपाउंड किया गया था हमारे आर्थर होम्स के द्वारा, और जहां पर हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है इसको प्रोपाउंड किया गया था हैरी हेस साहब के द्वारा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हम लोगों ने बोला था कि जिस तरीके से कॉन्टिनेंट्स पे हमारे लैंडफॉर्म होते हैं वैसे ही सी फ्लोर पे भी, सी बॉटम पर भी लैंडफॉर्म होते हैं। ये लैंडफॉर्म कहां से आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, उसके बारे में इन लोगों ने नहीं बताया। लेकिन उन्होंने सी फ्लोर लैंडफॉर्म के बारे में बताया कि देखिए यहां पर ये सब चीजें अवेलेबल हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि देखिए जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसलिए बोली जाई क्योंकि यहां पर बहुत सारे ट्रेंचेस भी मिले और ट्रेंच के साथ साथ हमें नए लैंडफॉर्म्स भी मिलते जा रहे थे, और चूंकि नए लैंडफॉर्म अगर मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है न्यू मटेरियल आ रहा होगा। इस न्यू मटेरियल के साथ साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि सी फ्लोर अल्टीमेटली स्प्रेड कर रहा है। तो ये थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो कि हैरी हेस्पेस के द्वारा दी गई थी। जो दूसरी थ्योरी थी वो थी कन्वेक्शन करेंट की थ्योरी। इस कन्वेक्शन करंट की थ्योरी में इन्होंने बोला कि देखिए दिस इज अगर सरफेस का क्रस्ट, ये अगर मान लेते हैं पृथ्वी का क्रस्ट है, तो क्रस्ट के जस्ट नीचे हमारी एस्थेनोस्फीयर होती है और उस एस्थेनोस्फीयर के नीचे मैग्मा होता है। यहाँ पर बेसिकली जो मैग्मा होता है वो अपने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बना होता है। इस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण से यहाँ पर कन्वेक्शन करेंट जनरेट हो जाती है, संवहनीय तरंगे जनरेट हो जाती है, और ये कन्वेक्शन करेंट अल्टीमेटली जो हमारा क्रस्ट है इसको ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद यह अपने अलग अलग प्लेट में टूट जा रही होती है। तो ये जो थ्योरी थी हमारी कन्वेक्शन करंट थ्योरी और ये जो थ्योरी थी हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इन दोनों थ्योरी में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं किया कॉन्टिनेंट के मूवमेंट को लेकर के एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इन्होंने एक नई थ्योरी को अल्टीमेटली जन्म दिया जो कि मैकेंजी के द्वारा दी गई थी, और इस थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्लियर हो गया क्या चीज है।
अब अगर हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज बेसिकली व्हाट इट वाज फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी एंड द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक्स वाज फॉर्मुलेटेड। तो इस तरीके से हमारी न्यू थ्योरी बन जा रही होती है। इस थ्योरी को प्रपाउंड किया था मैकेंजी और पार्कर के द्वारा 1967 में। बाद में हालांकि मॉर्गन ने भी कुछ कुछ चीजें की हैं, बट आपको मेन जो नाम याद रखना है वो नाम याद रखना है मैकेंजी और पार्कर का। इस थ्योरी के बारे में अगर बात करें जो हमारे अर्थ की ऊपर की स्फीयर है, देखिए बहुत ध्यान से इस थ्योरी को समझिएगा, काफी आसान भी है, कुछ लोगों को टफ भी लग सकता है, लेकिन बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही अच्छी थ्योरी है, सुनिएगा ध्यान से। ये मान लेते हैं हमारा अर्थ का सरफेस है, इसके अर्थ के सरफेस पे काम करते हैं, कलर जरा इसको चेंज करके रखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी बढ़िया से आए। मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है जो कि क्रस्ट है, दिस इज बेसिकली क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे ऑब्वियसली हमें एक लिथोस्फीयर मिल रही होगी। इस लिथोस्फीयर में, लिथोस्फीयर का मतलब कि ये मान लेते हैं हमारा बेसिकली पूरा का पूरा क्रस्ट का आइटम था, दिस इज बेसिकली क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे आपको एस्थेनोस्फीयर मिलेगा और इस एस्थेनोस्फीयर में हमें मैग्मेटिक मटेरियल मिल रहे होंगे। ये हमारा पूरा का पूरा मैग्मेटिक मटेरियल है जहां पर हमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे एलिमेंट मिल रहा होगा। ये पूरा का पूरा हमें मैग्मा का मटेरियल है। इस मैग्मा के मटेरियल में यहाँ पर हमें कन्वेक्शन करेंट्स मिलेंगी, ये कन्वेक्शन करेंट्स हमें यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रही होंगी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, देखिए कोई स्पेसिफिक नहीं है किसी डायरेक्शन में होगा जो मैं बना रहा हूँ। दिस इज बेसिकली मैग्मेटिक मटेरियल, मैग्मेटिक मटेरियल। जब यहां पर ये लगातार इस तरीके की कन्वेक्शन जनरेट करेगा, दिस इज बेसिकली कन्वेक्शन तो जनरेट करेगा, तो जो हमारा क्रस्ट है इस क्रस्ट पे अब फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। जो फोर्स होगा दैट विल बी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्शन हमारी या तो इधर के साइड भी हो सकती है या इधर के साइड भी हो सकती है। सिमिलरली इस फोर्स के कारण से इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। सिमिलरली इस फोर्स के कारण से इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारी अलग अलग तरीके की हमारी यहाँ पर स्ट्रेस लग सकते, शियर स्ट्रेस इस तरीके से लगेगा, शियर स्ट्रेस कह लीजिए या इसी को आप बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस लग रहे होंगे। ये फोर्स दो नेचर के हो सकते हैं, ये फोर्स कॉम्प्रेशन फोर्स भी हो सकता है और साथ में ये फोर्स टेंशन फोर्स भी हो सकता है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारी मान लेते हैं प्लेट है, इस प्लेट पर अगर इस तरीके से फोर्स लगा तो ये बेसिकली टेंशन हुआ, और सिमिलरली अगर मान लेते हैं इसी प्लेट पर हमें इस तरीके से फोर्स लग गया अंदर के साइड में तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये कॉम्प्रेशन फोर्स है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारी जो ये पूरी की पूरी प्लेट सिस्टम है, चूंकि यहाँ पर क्या हुआ है, अगर केवल और केवल इस सरफेस को देखें, यहाँ पर इस सरफेस को देखें, इतना पोर्शन, इस पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा क्रस्ट है ये दो पार्ट में टूटने की बात कर रहा है, तो ये टूट जाएगा बीच से। टूटने का मतलब है कि बीच से ये इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा और अल्टीमेटली एक फोर्स जो इधर के साइड में, दूसरी फोर्स जो इधर के साइड में लग रही है, उसके कारण से ये प्लेट ब्रेक कर जा रही होंगी। सिमिलरली यहां पर भी जो प्लेट होगी वो भी ब्रेक कर जाएगी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पर एक चीज ड्रॉ कर सकते हैं कि जो प्लेट्स है वो बेसिकली इस तरीके से टूटी हुई होंगी। यहाँ पर ये प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट हो गई, तीसरी प्लेट हो गई, चौथी प्लेट हो गई, पांचवी प्लेट हो गई। तो इस तरीके से जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं या फिर कह लीजिए क्रस्टल प्लेट्स हैं वो टूट जा रही होती हैं। इन टूटने के कारण से अब देखिए दो तरीके का यहाँ पर मटेरियल होता है, एक होता है जो कॉन्टिनेंटल मटेरियल होता है, कॉन्टिनेंटल, और दूसरी होती है जो ओशियानिक मटेरियल हो रही होती है। कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक में अंतर बस यही है कि यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल का मटेरियल है ये ग्रेनाइट का बना होता है और ये रिलेटिवली लेस डेंस होता है, और वही अगर ओशियानिक के बारे में बात करें ये बसाल्ट का बना होता है। ये देखिए मटेरियल होता है जो आपको याद करना है और ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आया है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, और ये हैवी डेंस होता है, दिस इज हैवीली डेंस। अब यहां तक आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आखिर में प्लेट जो है वो दो पार्ट में टूटा हुआ है, लिथोस्फेरिक प्लेट मतलब कि कॉन्टिनेंटल प्लेट और दूसरा बसाल्टिक प्लेट या फिर ओशियानिक प्लेट, दोनों में हैवी जो है वो ओशियानिक प्लेट है क्योंकि ये बसाल्ट का बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू डिस्टिंक्ट प्लेट्स व्हिच आर फ्लोटिंग इन डक्टाइल लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। तो ये इस तरीके से एस्थेनोस्फीयर यहाँ पर आ ही गया है, इसके ऊपर में ये मूव कर रहा है, तैर रहा है ये कह सकते हैं।
प्लेट मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थोनोस्फीयर एज द रिजिड यूनिट, ये आपको क्लैरिटी आ गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर फिगर को इरेज कर रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ है द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द क्रस्ट। लिथोस्फीयर क्या क्या होता है? क्रस्ट होती है और टॉप मेंटल या अपर मेंटल बोल सकते हैं, विद ए थिकनेस वेरिंग 5 to 100 किलोमीटर इन ओशियनिक पार्ट एंड 200 इन कॉन्टिनेंटल एरियाज। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल एरिया में कह रहा है कि इसकी जो हाइट है, हाइट का मतलब जो डेप्थ है, वो 200 किलोमीटर की है, और वही अगर बात करें ओशियानिक की तो ये लगभग लगभग आधी है, 5 to 100 किलोमीटर है। अब ये क्या चीज है, अब जरा ध्यान से अगेन समझिएगा यहाँ पर कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ और फिर से एक बार और ड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या कुछ है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी मान लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है सपोज, और एक और मान लेते हैं कि हमारी ये ओशियनिक क्रस्ट है, और दोनों को हम लोग बराबर बराबर का हाइट लेकर के चलते हैं। सपोज दिस इज सेम हाइट के हैं दोनों के दोनों, मान लेते हैं अभी। अब देखिए इनमें हम लोगों ने बात किया हुआ है कि ये वाला लेस डेंस है, मतलब मान लेते हैं इसकी डेंसिटी कुछ D1 है, यहां पर मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी कुछ D2 है, जो और यहां पर एक कंडीशन पता है कि D2 इज ग्रेटर देन D1। वैल्यू लेना तो वैल्यू ले लीजिए, ये मान लेते हैं 100 है और ये मान लेते हैं कि इसकी 50 है, ठीक है। डेंसिटी इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग ले ली है। अब देखिए हमारा जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है, वो ये कहता है कि मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी इक्वल टू मास ऑफ द आइटम, जो भी आइटम रखा है उसके मास के बराबर होगा। तो मान लेते हैं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो m1 डिस्प्लेस किया गया जो है वो m2 के बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं m1 का मतलब क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू मास, एक फॉर्मूला और होता है मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाता है, तो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। सॉरी यहां पर डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, LBH, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये हो जा रही होती है हमारी डेंसिटी की, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो अब जरा इसको मास को रिप्लेस कर देते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, तो डेंसिटी D1 इंटू वॉल्यूम V1, यहां पर डेंसिटी D2 इंटू वॉल्यूम V2, यहां पर आप जब रेशियो ले लेंगे इसका तो D1 अपॉन D2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। आपको पता है कि D1 और D2 में बड़ा कौन है, D2 बड़ा है, तो दिस इज बेसिकली 100, दिस इज बेसिकली 50, कट पिट करके ये 2 हो जाएगा, यानी V2 इज इक्वल्स टू V1 बाई 2। वॉल्यूम 2 का, इसका जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम का, अगर मान लेते हैं इसका वॉल्यूम 100 है तो इसका वॉल्यूम 50 हो जाएगा। ये आपको क्लैरिटी आ गई, देखिए इस फॉर्मूले से यहां से आप बता देंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले में LBH, वॉल्यूम को जरा LBH से रिप्लेस कर देते हैं, यहां पर ऊपर देखिए LBH, LB दोनों का सेम है, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों की सेम है, लेकिन हाइट H1 है, मतलब यहां पर H2 है, और सिमिलरली यहां पर लिखेंगे LBH1 अपॉन 2, LB कैंसिल हो जाएगा, यानी H2 इज इक्वल्स टू H1 अपॉन 2। यानी कि यहां से एक चीज क्लियर हो गई है कि जो H2 की, मतलब ओशियनिक की जो हाइट है, ये जो हाइट है वो एक्चुअल में बराबर नहीं है, ये इसकी जस्ट हाफ है। यानी एक चीज क्लियर हो गया यहां पर कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम, अगर ये वन सेकेंड, अगर ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर हाइट H1 का है, तो ये जो ओशियनिक क्रस्ट होगी वो हाइट H1/2 की होगी, जस्ट हाफ होगी। तो यहां पर ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, यानी कि हमें इस तरीके की कुछ चीज देखने को मिल रही होगी क्रस्ट के रूप में। तो जो ऊपर बचा हुआ है वो कैसा दिखेगा, अब जब जैसा खाली है, अगर खाली है तो यहां पर पानी भर गया, और इस तरीके से आपको सरफेस ऐसे देखने को मिल जाएगा कि हमारा जो कह लीजिए कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो हाइट लिया रहेगा, और यहां पर फिर पानी आ जाएगा, अब पानी आ जाएगा तो नीचे हमारा ओशियनिक क्रस्ट आ जाएगा। इनफैक्ट यही एक रीजन था जिसके कारण से जो हमारे वेगनर साहब थे उन्होंने कॉन्टिनेंट को ही केवल देखा था, और उन्होंने कहा कि देखो ये जो है ओशियन पे फ्री फ्लो कर रहा है, ओशियन पे ये तैर रहा है, क्योंकि पानी है, पानी के कारण से तैरेगा, इसी पानी के कारण से इन्होंने टाइडल फोर्स वगैरह सब कुछ ही बता दिया था। लेकिन एक्चुअल में वेगनर गलत थे, और वेगनर गलत क्यों थे और किस तरीके से अरेंजमेंट है, यह अब आपको पूरा फॉर्मूले के तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो हमारी इस तरीके से ये जो कॉन्टिनेंटल है उसकी हाइट रिलेटिवली ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस थिंग। समझ में आ गया क्या चीज है। अब देखिए प्लेट मूव्स हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थोनोस्फीयर, ये आपको समझ में आ गया है। लिथोस्फीयर, ये चीज समझ में आ गया है क्या चीज है। अब देखिए
ओशियानिक प्लेट कंटेन मेनली द सिमेटिक क्रस्ट एंड रिलेटिवली थिनर वाइल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंटेन सियालिक मटेरियल अंडर द इनविजिबल थिकर। देखिए यहां पर बेसिकली सियाल और सीमा का मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है लिथोस मतलब इसका कॉन्टिनेंट का वो सिलिकन प्लस एल्यूमिनियम का मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसकी डेंसिटी रिलेटिवली कम होती है। और जबकि वही इस ओशियानिक के बारे में बात करें तो ये सीमा मटेरियल का बना है यानी सिलिकन प्लस मैग्नीशियम, इसीलिए इसकी डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो बस यही लिखा है कि सीमा मटेरियल एंड सियालिक मटेरियल, ये क्लियर रखिएगा। सीमा मटेरियल ओशियन का होता है और सियालिक मटेरियल जो है वो इसका कॉन्टिनेंट का होता है। सीमा मटेरियल ही बसाल्टिक मटेरियल होते हैं, दिस इज बेसिकली बसाल्टिक मटेरियल। क्लियर हो गया क्या चीज है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप देखेंगे तो एक और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं इरेज करूंगा तो दिखेगा आपको। यहाँ पर देखिए लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, मतलब ओशियन प्लस कॉन्टिनेंट दोनों ही, वेरी फ्रॉम माइनर प्लेट टू मेजर प्लेट। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो टूट फूट हुई है दो तरीके से होती है, एक मेजर प्लेट के रूप में होती है और एक माइनर प्लेट के रूप में होती है। तो मेजर प्लेट और माइनर प्लेट में दो तरीके से आ जाते हैं, एक जरा हमारी कह लीजिए कॉन्टिनेंटल प्लेट के रूप में अरेबियन प्लेट हो जाती है, ओशियनिक प्लेट के रूप में पैसिफिक प्लेट हो जाती है। समटाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट, जैसे कि इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, इस तरीके से हो जा रही होती है। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी कन्वेक्शन करेंट्स के कारण से, क्या मूवमेंट के कारण से हमारी कौन सी प्लेट जनरेट हुई है। तो अगर प्लेट के बारे में बात करेंगे तो दो तरीके की प्लेट होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, यहाँ पर एक मेजर प्लेट है और दूसरी माइनर प्लेट है। कुछ मेजर प्लेट का नाम भी आपको याद रहना चाहिए, कुछ क्या इनफेक्ट सारे मेजर प्लेट का नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम होती हैं। यहाँ पर देखिए एक होती है अंटार्कटिका प्लेट, दूसरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तीसरी साउथ अमेरिकन प्लेट, चौथी पैसिफिक प्लेट, फिर इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट। हालांकि यहाँ पर देखिए एक न्यू डेवलपमेंट, न्यू रिसर्च चल रही है और ये रिसर्च चल रही है कि जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है वो अलग है और न्यूजीलैंड प्लेट अलग है। ये अभी रिसर्च ऑनगोइंग है, जहां पर ये पता चला है कि जो हमारी न्यूजीलैंड प्लेट है ये अलग से एक माइनर प्लेट के रूप में देखने को मिल सकती है इन नियर फ्यूचर। बाकी अफ्रीका एंड द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट होती है, फिर उसके बाद से यूरेशिया एंड एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट होती है। तो ये हुई जो हमारी मेजर प्लेट होती है, फिर उसके बाद से कुछ हमारी माइनर प्लेट हो जाती है, जैसे कोको प्लेट। हालांकि जो होता है देखिए माइनर प्लेट बहुत सारी है, सारा आपको याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट के नाम मैं आपको बता रहा हूं, वही केवल आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछा जा सकता है। तो जो कोको प्लेट होती है वो सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच की होती है, इसके जस्ट नीचे जो है नजका प्लेट होती है, अरेबियन प्लेट अरेबियन पेनिनसुला के पास में होती है, फिलीपींस प्लेट फिलीपींस के पास में होती है, कैरोलिन प्लेट ये फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में होती है जो कि नॉर्थ ऑफ गिनी बोल सकते हैं, फिजी प्लेट होती है जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे होती है, टर्किश प्लेट एक होती है टर्की में होती है, एजियन प्लेट जो मेडिटेरेनियन रीजन में है एजियन सी के नाम से जानी जाती है, इसी तरीके से कैरेबियन प्लेट हो जाती है जो यूएस के पास में कैरेबियन आइलैंड पे है, और लास्ट में एक आ जाती है जुआन दे फूका प्लेट जो कि नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में हो रही होती है, फिर एक ईरानियन प्लेट है जो ईरान में है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बेसिकली आपको दिखेगा कि पूरी की पूरी प्लेट सिस्टम। एक काम करिए आप लोग अपना एटलस ओपन करिए और एटलस में आप लोग लास्ट पेज पे चले जाइए, लास्ट क्या मतलब कुछ हिस्ट्री वाला पार्ट दिया गया है, उस हिस्ट्री वाले पार्ट से जस्ट पहले जब आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा एक लिथोस्फेरिक प्लेट का पूरा फंडा दिखेगा। यहाँ पर जब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है, ये आपकी अफ्रीकन मेजर प्लेट है, अफ्रीका जैसा दिख रहा है ना, अफ्रीकन मेजर प्लेट है। यहाँ पर ये देखिए मेडिटेरेनियन प्लेट है, दिस इज यहाँ पर देखिए मेडिटेरेनियन प्लेट है, ये हमारी अरेबियन पेनिनसुला वाली रीजन, तो अरेबियन प्लेट हो जाएगी जो कि एक माइनर प्लेट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ जो पोर्शन छोटा सा बना हुआ है ये एजियन प्लेट है, एजियन सी यहीं पर पाई जाती है, एजियन प्लेट होती है ये। ऊपर आ जाएंगे तो ये देखिए ईरानियन प्लेट है, ये ईरानियन प्लेट आ जा रही होती है। सिमिलरली ऊपर आ जाएंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा यूरेशियन प्लेट है, दिस इज यूरेशियन प्लेट जो यहाँ तक फैली हुई है। फिर आप आ जाएंगे तो ये देखिए इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है, यहाँ पर ये इंडिया ऑस्ट्रल प्लेट इस तरीके से निकल के आ जा रही होती है। यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो ये आपकी फिलीपींस प्लेट हो जा रही होती है, तो ये फिलीपींस प्लेट है। सिमिलरली अगर ऊपर बढ़ेंगे तो ये देखिए आपकी यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका प्लेट आ जाएगी, वेयर इज इट, जो ये नॉर्थ अमेरिका देखिए क्लैरिटी के साथ तो नहीं बनाया गया, यहाँ पर है देखिए ये हमारा नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, ठीक है नॉर्थ अमेरिका प्लेट। ये हमारी जो होती है वो साउथ अमेरिका प्लेट है, दिस इज साउथ अमेरिका प्लेट, ये इतना पोर्शन देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ये कोको प्लेट आ जाती है और ये हमारी नज़का प्लेट आ जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए मूवमेंट बनाया गया है क्या कुछ है।
क्लियर हो गया। तो ये देखिए हमारी ये पूरी की पूरी पैसिफिक प्लेट है और ये हमारी नॉर्थ अमेरिका प्लेट, इन दोनों के बीच में कोको हो गया, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इन दोनों के बीच में हमारी आ गई कौन सी, नजका प्लेट। क्लियर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेट हो जाती है, हवाई प्लेट हो गई या फिर हमारी जुआन दे फुका प्लेट हो गई, तो बहुत सारी प्लेट हो जा रही होती है। साउथ में जब आएंगे तो आपको ये एंटार्कटिका प्लेट दिख जा रही होगी। तो इस तरीके से आप बेसिकली एटलस को ओपन करिएगा, एटलस को ओपन करने के बाद आपको पूरा का पूरा रीजन आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ हम लोग बातें कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जो ये डिफरेंट प्लेट्स आती हैं, ये डिफरेंट प्लेट जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास अलग अलग प्लेट आई हुई है, जैसे मेजर प्लेट का फंडा हो गया या माइनर प्लेट का फंडा हो गया, इनफैक्ट मेजर मेजर प्लेट भी हो गया। तो हमारे पास अब अलग अलग फॉर्मेट में प्लेट टूट करके आ गई है। ये मेजर प्लेट में हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट भी है और हमारी साथ में हमारी ओशियनिक प्लेट भी है, दोनों तरीके की प्लेट्स हमारे पास पड़ी हुई है। सिमिलरली माइनर में भी हमारे पास कॉन्टिनेंटल प्लेट पड़ी हुई है और साथ में ओशियनिक प्लेट पड़ी हुई है। अब देखिए अगर कोई ये मान लेते हैं कि हमारा लिथोस्फीयर या कह लेते हैं हम लोग का ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट में हम लोगों ने अभी देखा कि ये पूरा का पूरा जो क्रस्ट है वो इस तरीके से ब्रोकन फॉर्मेट में है, ये इस तरीके से टूटा हुआ है। तो जब टूटा हुआ है तो सीधी सी बात है इस टूटे हुए में नीचे कन्वेक्शन करंट चल ही रही है। जब ये कन्वेक्शन करंट लगातार इस तरीके से अगर मूवमेंट है ही, तो इन प्लेट के ऊपर में इंटरैक्शन तो हो ही रहा होगा, किसी के ऊपर इधर फोर्स लग रहा होगा तो किसी के ऊपर इधर फोर्स लग रहा होगा, कहीं पर इधर फोर्स लग रहा होगा तो कहीं इधर ही फोर्स लग रहा होगा, कहीं इधर फोर्स लग रहा होगा तो कहीं इधर ही फोर्स लग रहा होगा। तो हमारे पास क्या है, इन फोर्सेस के कारण से ये आपस में जितनी भी प्लेट है, तो ये मान लेते हैं प्लेट नंबर वन, प्लेट नंबर टू, प्लेट नंबर थ्री, प्लेट नंबर फोर, प्लेट नंबर फाइव, प्लेट नंबर सिक्स, इन सारी प्लेट का आपस में इंटरेक्शन होगा। जैसे अगर देखिए प्लेट नंबर वन एंड टू ये एक दूसरे को देखिए कोलाइड कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं। प्लेट नंबर टू एंड थ्री बात करेंगे तो देखिए ये दोनों के दोनों सिंगल डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को पुश कर सकते हैं। क्वेश्चन हम अगर प्लेट नंबर फोर के बारे में देखें तो देखिए यहाँ पर प्लेट नंबर थ्री और प्लेट नंबर फोर एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं। सिमिलरली प्लेट नंबर फाइव जो और प्लेट नंबर फोर ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो प्लेट नंबर सिक्स इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली तीन तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा जो कोलाइड कर रहे हैं, दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो पुशिंग कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, और तीसरा होगा जो केवल एक दूसरे को एक दूसरे के साथ में टच कर रहे हैं, टचिंग। जैसे क्या है कि जब आप इस तरीके से 3D फिगर आप बनाएंगे तो आपको इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए पूरा 3D हम लोगों ने फिगर बना लिया, ये हमारी पहली प्लेट हो गई है और बाकी हमारी इस तरीके से दूसरी दूसरी प्लेट हो जा रही होती हैं। जब आप देखेंगे यहाँ पर तो मूवमेंट आपका ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, आगे पीछे भी तो हो सकता है। केवल फ्रंट व्यू जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप 3D फिगर देख रहे होंगे तो ये मूवमेंट आगे पीछे भी तो हो सकता है। ये हो सकता है कि इधर के साइड में निकल करके आ जाए इस तरीके से, और हो सकता है कि ये वाला पीछे की ओर चला जाए इस तरीके से। तो ये मूवमेंट इधर के साइड में और इधर के साइड में भी हो सकता है। यानी बेसिकली हमारे पास बेसिकली तीन तरीके का मूवमेंट आ गया। एक मूवमेंट आ गया जो कोलाइड करने का है, दूसरा मूवमेंट हो गया जो पुश करने का, तीसरा मूवमेंट हो गया जो टच करने का है। इन सब में जो टच करने वाला है इसको हम लोग सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जो केवल और केवल एक दूसरे के साथ में शियर स्ट्रेस या कह सकते हैं एक दूसरे के साथ में केवल रगड़ खा रहे होते हैं। जो कोलिजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब कन्वर्ज कर रही है, यानी एक दूसरे के पास आ रही है, और एक दूसरे के पास जब आएगी तो टक्कर मारेगी, टक्कर मारेगी तो कोलाइड हो जाएगा। पुशिंग करने के दौरान का मतलब होता है कि एक दूसरे के डाइवर्ज कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में मतलब यही होता है कि दोनों एक दूसरे को कोलाइड नहीं करेंगी, बेसिकली एक दूसरे के साथ दूर जा रही होंगी। तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट के सहारे आपको ये पता चल गया कि बेसिकली जो हमारी बाउंड्रीज होती है वो तीन तरीके की होती है, जिसमें से एक होती है जिसको हम लोग डाइवर्जेंस बाउंड्री बोलते हैं, एंड दिस इज लाइक डाइवर्जेंस बाउंड्री। मान लेते हैं कि ये हमारी प्लेट है, ये हमारी दूसरी प्लेट है, कोई भी प्लेट हो सकती है, चाहे वो कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो ओशियनिक हो, चाहे कोई भी हो, कॉन्टिनेंट हो चाहे ओशियनिक हो, अगर ये प्लेट एक दूसरे के से दूर जा रही है तो क्या ये मैटर करेगा क्या कि ये प्लेट किस चीज की बनी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यार देखो यहाँ पर अगर कुछ भी होगा, सब एक दूसरे से अगर दूर जाएंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर ये प्लेट तो एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है, ये प्लेट एक दूसरे के साथ में इस तरीके से चिपकी हुई है। बस इसमें सीन क्या है कि ये मूवमेंट में आ गई है, मूवमेंट में आने के कारण से एक दूसरे से दूर जाएगी। अब दूर जाएगी तो जैसे आप लोगों ने रबर बैंड देखा होगा कि रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हैं, मान लेते हैं पूरा का पूरा रबर बैंड का सरफेस है, तो जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये स्ट्रेच तो हो जाती है और बेसिकली एक दूसरे के ऊपर आप एक तरीके से
टेंशन फोर्स ही लगा के रखे हुए हैं, तो दिस इज बेसिकली टेंशन फोर्स। और जैसे ही आप स्ट्रेच करेंगे इसको होगा क्या कि ये सरफेस बीच से इस तरीके से पतला होते जाएगा, ये आपका पतला होते जाएगा इस तरीके से, होगा कि नहीं होगा, दोनों साइड से ऐसे ऐसे पतला होते जाता है। तो ये बेसिकली जो हमारा रबर बैंड है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जा रहा होगा बिकॉज ऑफ यहां पर आपने टेंशन फोर्स लगा करके रखी हुई है। एक समय के बाद होगा क्या कि ये जो सरफेस है वो वीक पड़ गया और यहीं से आपका रबर बैंड टूट जाएगा और ऐसे अलग अलग हो जा रहा होगा। तो दिस इज बेसिकली यहां पर ब्रेक हो गया आपका रबर बैंड। सेम ऐसे ही आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा हमारे इस डाइवर्जेंस बाउंड्री में। डाइवर्जेंस बाउंड्री की अगर बात करें तो इन प्लेट टेक्टोनिक्स अ डाइवर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री और एन एक्सटेंशनल बाउंड्री इज अ लीनियर फीचर। क्या लीनियर फीचर है? बिल्कुल। दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स दैट आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। इंटरैक्शन ऑफ दिस टाइप लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक ट्रेंच एंड लिफ्ट वैली। तो देखते हैं यहां पर क्या आखिर में क्या चीज हुई है, क्यों ऐसे हम लोग ओशियनिक ट्रेंच क्या होती है और रिफ्ट वैली क्या होती है, कैसे बनती है, जरा ध्यान से आप सुनिएगा। यहां पर हम लोगों ने नीचे का एक फिगर में मिटा रहा हूं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है अब तो, और हम लोगों को ऊपर वाले से ही मतलब है। तो हम लोगों ने यहां पर एक चीज देख लिया कि बेसिकली अगर देखें तो दिस थिंग, वन सेकेंड लेट मी टेक सम अदर कलर। यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारी जो ओशियनिक, ये हमारी मान लेते हैं कि कोई भी प्लेट है, इस तरीके से हमारी प्लेट जो होती है वो बन गई है। दिस इज बेसिकली आवर प्लेट। इस प्लेट में जब आप देखेंगे तो यहां पर कुछ अलग मूवमेंट है और यहां पर इसी तरीके से अलग कलर हमें देखने को मिल रहा है। अब ये येलो कहां से हो गया, मैंने तो ब्लैक लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर मान लीजिएगा कि ब्लैक कलर है। अब इस कलर में यहां पर हमें क्या मिल रहा है, क्या कुछ यहां पर एक तरीके से खाली सरफेस मिल रहा है? खाली सरफेस मिलेगा तो पानी बरसेगा, पानी बरसेगा तो यहां पर पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा तो इस तरीके से हमें पानी यहां पर भरा हुआ देखने को मिल रहा होगा। तो दिस इज फिल्ड विद वाटर, बन गया वाटर। लेकिन यहां पर नीचे एक और चीज हो रही है, क्या? कन्वेक्शन करंट। कहां गया यार पेन मेरा? यस, तो यहां पर हमारी नीचे कन्वेक्शन करंट्स भी चलते रह रही है। दिस इज कन्वेक्शन करंट। तो जब कन्वेक्शन करंट चलेंगी तो कन्वेक्शन करंट को क्या चाहिए? वीक सरफेस। क्या वीक है? नहीं। क्या वीक है? नहीं। क्या वीक है? नहीं। क्या वीक है? थोड़ा थोड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है वीक। और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो वीक सरफेस है वो बेसिकली इस एरिया में आपको वीक सरफेस बहुत ज्यादा मिल रहा होगा, इस एरिया में वीक सरफेस बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या इस एरिया में, अब इस एरिया में अब होगा ये कि यहां से वोल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हो जाएगी, यहां से पुशिंग स्टार्ट हो जाएगी जो अंदर का मैग्मा मटेरियल है, क्योंकि लगातार ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे बना हुआ है। तो इस तरीके से यहां पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। वीक सरफेस होने के कारण से क्रैक जनरेट हो रखी है, और क्रैक जनरेट होगी सीधी सी बात है तो यहां पर मैग्मेटिक मटेरियल इरप्ट कर जाएगा और इस तरीके से वोल्केनो फूट पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा वोल्केनो निकल गया है, मान लेते हैं किसी एक क्रैक से। तो जब वोल्केनो निकल जाएगा, यहां तक क्लियर हो गया क्या है वोल्केनो, क्या चीज हो रही है? जब वोल्केनो निकलेगा तो हमारा जो सरफेस है वो अब जो पहले टॉप व्यू अगर आप देखेंगे इसका, तो टॉप व्यू ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू कैसा दिखेगा? ये हमारा एक सरफेस होगा और हमारा ये दूसरा सरफेस इधर दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली इस तरीके की प्लेट बन रही होगी, इस तरीके की प्लेट बन रही होगी, यहां पर इस तरीके से सरफेस दिख रहा होगा और बीच में आपको दिख रहा होगा कि यहां पर पूरा का पूरा वाटर फील्ड है। तो यहां पर आपको इस तरीके से यहां पर वाटर की फिलिंग देखने को मिल रही होगी। अगर साइड साइड में मान लेते हैं कि सरफेस है तो ये पूरा का पूरा आपको वाटर फील्ड स्ट्रक्चर दिखना होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि देखिए बीच में वाटर है। अब जब यहां पर ये जो गड्ढा आपको देखने को मिल रहा है, इस गड्ढे को हम लोग बोलते हैं, इस गड्ढे को जो यहां पर गड्ढा बना हुआ है जहां पे पानी भर गया है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली जब पानी भर जाता है तो बस ये लेक बन जाता है, अलग अलग फॉर्मेट पर लेक बन जाता है। तो हमारी रिफ्ट वैली आपको समझ में आ गई कि आखिर में क्या चीज है। अब देखिए यहां पर क्या है, ज्वालामुखी निकल गया है। तो ज्वालामुखी जब निकलेगा तो अभी तक तो सामने से दिखेंगे तो आपको पॉइंट में दिखेगा, लेकिन जब आपको ये पूरा का पूरा सरफेस पे देखेंगे तो क्या होगा, ज्वालामुखी यहां से भी निकल रहा है, ज्वालामुखी पीछे से भी निकल रहा होगा, इनफैक्ट क्या पूरे सरफेस से निकल रहा होगा। ये पूरा सरफेस ही बेसिकली ज्वालामुखी हो गया होगा, ये पूरा सरफेस ही बेसिकली वोल्केनिक एलिमेंट बन गया होगा। तो जब आप इसको ऊपर से देख रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा वोल्केनिक मटेरियल यहां से निकल रहा है, वोल्केनिक मटेरियल निकल रहा है, वोल्केनिक मटेरियल निकल रहा है। तो जब वोल्केनिक मटेरियल निकलेगा तो सीधी सी बात है सरफेस पे जमना शुरू कर देगा। जब जमना शुरू करेगा तो आपको ये एक तरीके से यहां पर डिपॉजिटेड मटेरियल के रूप में देखने को मिलेगा, और जब डिपॉजिटेड मटेरियल जब जुड़ जुड़ करके
एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सरफेस इस तरीके से मान लेते हैं कि माउंटेन के रूप में जुड़ना शुरू हो गया। जब जुड़ना शुरू हो जाएगा तो आपको ऊपर सरफेस पे जब पानी के ऊपर निकल जाएगा तो आपको दिखेगा ये छोटा सा आइलैंड, इस तरीके का एक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा यहां पर केवल। सिमिलरली ये यहां पर भी डेवलप कर सकता है, सिमिलरली ये पीछे भी डेवलप कर सकता है। तो बेसिकली आपको एक लाइन से कई सारे आइलैंड ग्रुप देखने को मिल सकते हैं। केवल और केवल अगर इसका टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू आपको इस तरीके से दिखेगा कि आपका ये पूरा का पूरा सरफेस है, यहां पर ये आपकी पहली प्लेट है, ये आपकी मान लेते हैं दूसरी प्लेट है, ये प्लेट नंबर वन हो गई, प्लेट नंबर ये टू हो गई, और यहां पर आपको इस तरीके से यहां पर आइलैंड ग्रुप देखने को मिल रहे होंगे। अब बेसिकली ये पूरा क्या है, ये पूरा फिल्ड विद वाटर है, ये पूरा वाटर से भरा होगा। तो यहां पर आपको लाइन से एक बीच में आइलैंड ग्रुप देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मिड ओशियानिक ट्रेंच, मिड ओशियानिक रिज बोलते हैं एक्चुअल में, ट्रेंच नहीं, मिड ओशियानिक रिज होती है, MOR, मिड ओशियानिक रिज बन जा रही होगी हमें। क्लियर हो गया क्या चीज है ये पूरा सिस्टम समझ में आया, डाइवर्जेंस बाउंड्री किस तरीके से वर्क कर रही है। अब देखिए जब भी कोई चीज होती है इस तरीके से, जब भी ज्वालामुखी निकलेगा सीधी सी बात है यहां पर अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि सडन मूवमेंट हुआ है, सडन मूवमेंट होगा तो सीधी सी बात है यहां पर वोल्केनो भी निकल रहा है, वोल्केनो के कारण से हमें अर्थक्वेक देखने को मिलेगी। तो ये इसको मैं मटेरियल को जरा मैं इरेज कर रहा हूं, यहां पर देखिए अर्थक्वेक्स आर कॉमन अलोंग डाइवर्जेंट एजेस। तो इस तरीके से जब भी हमें इस तरीके का एक प्लेट बाउंड्री दिख रही होगी जहां पर मूवमेंट आ रहा होगा, बीच में आइलैंड आ रहे होंगे और वोल्केनिक मटेरियल यहां से निकल रहा होगा, तो वोल्केनो निकलेगा तो सीधी सी बात है सडन शेकिंग हो जाएगी, और जैसे ही सडन शेकिंग हमें देखने को मिलेगी वैसे ही हमें यहां पर अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। हम लोग अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वहां पर हम लोग बात करेंगे सुनामी की, एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी। यहां पर जब ओशियन में, ये बेसिकली बीच में क्या है, ओशियन है, ओशियन में इस तरीके का जब भी वोल्केनिक एलिमेंट निकल के आता है तो वहां से सडन शेकिंग के कारण से अर्थक्वेक निकलता है, अर्थक्वेक के कारण से हमारी पानी में वेव्स जनरेट होती है, और ये पानी में वेव अल्टीमेटली सुनामी को जन्म दे रही होती है। तो यहां से एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस बाउंड्रीज हैं वहां से हमें क्या कुछ मिलेगा, हमें मिलेगा मिड ओशियानिक रिजेस, हमें मिलेगा साथ में अर्थक्वेक, और हमें मिलेगा साथ में यहां पर छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप भी बोल सकते हैं, या मिड ओशियानिक रिजेस को आप आइलैंड के रूप में ही ले सकते हैं, और साथ में हमें मिलेगी यहां पर रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली होगी, ये प्लेट कुछ भी हो सकती है, कॉन्ट्रेंट कॉन्ट्रेंट भी हो सकती है, दोनों साइड में कॉन्ट्रेंट हो, यहां पर भी कॉन्ट्रेंट हो, यहां पर भी कॉन्ट्रेंट हो, दोनों साइड में ओशियानिक ओशियानिक भी हो सकती हैं, क्योंकि देखिए इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, विपरीत जा रही हैं, या यहां पर कॉन्ट्रेंट ओशियन भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे सेम्स ऐसे ही होंगे, क्योंकि जब दूर जा रहे हैं तो रबर बैंड किसी भी चीज का बना हुआ, डजंट मैटर कि व्हाट मटेरियल इज बीन यूज्ड इनटू द रबर, द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू मैटर इज कि ये दोनों क्या दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं, दैट इज द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, ये हो गई हमारी डाइवर्जेंस के बारे में, क्लियर हो गया डाइवर्जेंस के बारे में। नेक्स्ट होती है हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट में क्या है कि हमारी दो प्लेट है, ये हमारी पहली प्लेट है, ये हमारी दूसरी प्लेट है, एक दूसरे को ये लोग पुश करने जा रहे हैं, एक दूसरे को कह सकते हैं कि कोलाइड करने जा रहे हैं, कोलाइड करेंगे तो सीधी सी बात है अब यहां पर क्या मैटर करेगा, बिल्कुल मैटर करेगा कि ये कॉन्ट्रेंट है या ये ओशियन है, या ये कॉन्ट्रेंट है और ये कॉन्ट्रेंट है, या ये ओशियन है और ये ओशियन है, क्या मैटर करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों, क्योंकि अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक हाथी एक चींटी के साथ में लड़ेगा, या फिर चींटी चींटी के साथ में लड़ेगी, या हाथी हाथी के साथ लड़ेगा, मैटर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये अब हाथापाई करने जा रहे हैं, तो ये मैटर करेगा बहुत ज्यादा। तो इसी वजह से कन्वर्जेंट बाउंड्री में हमें देखना होता है कि ये किस चीज से मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, मूवमेंट किस चीज, किस मटेरियल का हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आगे इसी को कंटिन्यू करें तो देखिए दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन टू लिथोस्फेरिक प्लेट कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर द जोन ऑफ कोलिजन में अंडरगो क्रम्पलिंग एंड फोल्डिंग मटेरियल में इमर्ज। तो आप देखते हैं कि आखिर में क्या कुछ हो सकती है, यहां पर क्या होगा। दिस इज अ ओरोजेनिक कोलिजन, क्यों, क्योंकि यहां से माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो रही होती है। बात करेंगे अभी क्या होता है, हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट इज अ वन सच एग्जांपल। अब जरा देखिए यहां पर क्या कुछ हो सकता है, मान लेते हैं सपोज यहां पर कॉन्ट्रेंट और ओशियन मान करके चल रहे होते हैं हम लोग, जब कॉन्ट्रेंट और ओशियन मान करके चलेंगे तो अगर देखते हैं यहां पर ये बेसिकली क्या हो गया, लेस डेंस है मतलब हल्का है ये, दिस इज हल्का, और यहां पर ये वाली जो चीज है ओशियन ये हैवी डेंस है,
हैवी डेंस है तो सीधी सी बात है ये हो गया भारी, ये हो गया भारी। जब हल्का और भारी आपस में जब भी इंटरैक्ट करेंगे तो भारी कौन पड़ेगा, भारी ऑब्वियसली भारी वाला आइटम पड़ेगा। जब भारी कोई चीज होती है क्या वो हल्के के ऊपर चढ़ पाएगी, क्या नहीं चढ़ पाएगी, सीधी सी बात है। तो भारी वाली नीचे चली जाएगी, यानी एक दूसरे को जब ये टक्कर मारेंगे तो पहले तो दोनों में डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा, इसमें भी डिफॉर्मेशन होगा, इसमें भी डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन ज्यादा किस में होगा, हल्के वाले में डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, क्योंकि यही बॉडी जो है। अब जैसे मान लीजिए कार को आप लेकर के 120 की स्पीड में लेकर के जाइए और किसी दीवार से आप टकरा दीजिए, अब वो दीवार मान लीजिए अंबुजा सीमेंट की बनी है तो अंबुजा तो टूटेगा नहीं लेकिन कार आपकी जरूर टूट जा रही होगी। तो यही मान के चलिए हल्का फुल्का इस दीवार पर भी क्रैक वगैरह आएगी लेकिन आपकी गाड़ी तो पूरी की पूरी परचम लहरा देगी। तो ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम हो गया, जहां पर ये आपकी कार थी और ये आपका सिस्टम था। तो ये वाली हैवी थी, इस वजह से हमें इस तरीके का सिस्टम देखने को मिल रहा है, लेकिन विद द टाइम ये नीचे चली जाएगी और ये पूरा का पूरा सिस्टम यहां पर आकर के टकरा जा रहा होगा। क्लियर? क्यों नीचे चली जाएगी, क्योंकि भाई लगातार ये मूवमेंट हो ही रहा है, कार टूट जा रही है लेकिन आगे बढ़े आ रही है, बढ़े आ रही है, बढ़े आ रही है। ये भी कम नहीं है, ये भी फोर्ड की कार है, अगर ये अंबुजा है तो ये भी फोर्ड की कार है, तो ये भी लगातार आगे मूवमेंट करते जा रही है। तो विद द टाइम होगा क्या कि जो हैवी एलिमेंट है वो नीचे चला जाएगा और आपका फोर्ड की कार जो है वो आगे बढ़ते जा रही होगी। तो यहां पर एक बेसिकली सिस्टम समझ में आया क्या चीज है। इसको थोड़ा सा और अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो आपको एक और आइडिया दे देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपकी हवा है, विंड, आपको पता है कि विंड बहुत ही लेस डेंस होती है, बहुत ही हल्की होती है, हल्की रहेगी तो सीधी सी बात है कि आपका जो भारी एलिमेंट है वो भारी एलिमेंट नीचे आ जाएगा और हवा ऊपर हमेशा ब्लो करती रहेगी इस तरीके से। तो हवा इसीलिए ब्लो करती रहती है इन द एयर, और जबकि जो भारी मटेरियल होता है वो नीचे आ जा रहा होता है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एसी है, एसी क्या करता है, कूलिंग कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है, मान लीजिए आपका पूरा का पूरा रूम है, दिस इज योर रूम। अब इस रूम में क्या है कि हॉट हो रखा है, गर्म हो रखा है, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो हॉट एयर है। हॉट एयर जनरली क्या होता है कि वो ऊपर होती है, ऊपर होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एसी को जनरली हमेशा टॉप ऑफ द सरफेस पे लगाया जाता है, बॉटम पे नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं लगाया जाता है। ये मान लीजिए आपकी हवा है, यह हमारा रूम है और इस रूम में गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी के कारण से जो गर्म हवा है वो ऊपर चली गई है। अगर मान लेते हैं एसी आपने लगाया एकदम इस कोने पे, छोटा सा एकदम सबसे नीचे कोने पे, तो ये हवा देगा, हवा जो देगा वो कोल्ड एयर देगा। कोल्ड एयर जो होती है वो बहुत ही भारी होती है, हैवी होती है, हैवी रहेगा तो सीधी सी बात है नीचे नीचे ही रह जाएगा, ये हमारा नीचे नीचे ही हवा रह जाएगी। तो हवा नीचे नीचे ही रहेगा और ऊपर हवा गर्म गर्म सी रह गई, तो आपको क्या है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे देखने को मिलेगा जहां पर ऊपर हवा गर्म है, नीचे हवा ठंडी है और मिक्सिंग नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके का जो सिस्टम रहेगा, अब क्या होगा, हॉट एयर को कूल एयर जब ऊपर की ओर पुश करेगा हॉट एयर को, क्योंकि ऊपर हल्का है, हल्का रहेगा तो और ऊपर चलते जाएगा, और जबकि भारी वाली एयर नीचे है, जब तक ये पूरी भारी वाली एयर कंप्लीटली फिल नहीं हो जाएगी पूरे रूम में, तब तक ये हॉट एयर ऊपर बना रहेगा। तो कूलिंग करने में एसी को काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन वही अगर मान लेते हैं कि हम एसी को थोड़ा दिमाग लगा करके ऊपर लगाते हैं, मान लेते हैं कि हम लोगों ने एसी को ऊपर लगाया, अब ऊपर लगाने से क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं हमारा वापस से रूम में आ गए हम लोग, और इस बार मैंने दिमाग लगाया, मैं साइंस का स्टूडेंट था और फटाफट मैंने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं एसी को यहां लगाते हैं, मैंने टॉप पे लगाया, टॉप पे लगाया तो अब क्या होगा, जो कूल एयर होगी वो सबसे पहले ऊपर के सरफेस पे आएगी, भाई ऊपर लगाया तो हवा पहले ऊपर ही आएगी ना, तो ऊपर हमारी पहले ही हॉट एयर थी, मैंने हॉट एयर को क्या किया, पहले ऊपर से ही मिक्सिंग कराना शुरू कर दिया। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा लेकिन क्या है, मिक्सिंग फटाफट ऊपर की हो गई, और डेंस एयर चूंकि है, ये हमारी कोल्ड एयर, जो हमारी कोल्ड एयर आई हुई है वो डेंस है, और धीरे धीरे क्या होगी, ऊपर से ऐसे नीचे की ओर चली जाएगी, ऊपर से ऐसे नीचे की ओर चली जाएगी। अब क्या होगा, क्या पूरा का पूरा रूम इसने ठंडा कर दिया, पूरा रूम ठंडा कर दिया, क्योंकि लाइट एयर जो कि गर्म हवा है उसको सबसे पहले इसने टारगेट किया हुआ है, और बाद में इसने टारगेट किया है जो बाकी के एरियाज हैं, जो बाकी के वैक्यूम एरिया है। तो अब आसानी किसमें होगी, जब एसी को आप टॉप पे लगाएंगे। तो यहां से आपको बेसिकली एक आइडिया लग गया होगा कि हैवी मटेरियल और लेस हैवी मटेरियल के बारे में हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी सिस्टम क्या हम लोग बात करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए खैर, तो व्हेन वन ऑफ द प्लेट इज ओशियनिक प्लेट, इट गेट्स एम्बेडेड इनटू द सॉफ्टर ओशियनिक ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो यही है कि ये नीचे की ओर में एम्बेडेड हो जाती है, नीचे गिर जाती है। अभी हम लोग इसको
और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको और अभी क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल में व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। फिलहाल ये एसी वाला फंडा समझ में आ गया क्या चीज है, क्योंकि यही हम लोग एसी का फंडा आगे यूज कर रहे होंगे। तीसरी हमारी बाउंड्री होती है जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो जा रही होती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जो हमारी प्लेट थी बेसिकली, जब तक इसको टॉप से आप देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर मान लीजिए टॉप से हमने देखा, यहां पर हमारी एक सरफेस हो गई और यहां पर हमारी दूसरी बॉडी हो गई, तो ये हमारा इस तरीके से एक प्लेट इधर आ गया, एक प्लेट इधर आ गया, तो ये हमारी दो प्लेट्स हैं। तो जब दो प्लेट आप देखेंगे तो एक प्लेट मान लेते हैं आगे की ओर मूव कर रही है, दूसरी प्लेट मान लेते हैं पीछे की ओर मूव कर रही है 3D डायग्राम में, तो क्या होगा, यहां पर बेसिकली एक दूसरे के साथ में फ्रिक्शन जनरेट कर रहे होंगे। तो यहां पर ना कोलाइड हो रहा है, ना तो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, दे आर जस्ट पुशिंग, कह सकते हैं कि एक दूसरे को ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, दे आर जस्ट जनरेटिंग, दे आर जस्ट मेकिंग अ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सरफेस। तो ये एक दूसरे के साथ में फ्रिक्शन जनरेट कर रहे हैं, इस तरीके की बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो यहां पर तोड़फोड़ तो हो नहीं रही है, क्योंकि एक दूसरे के साथ में ना तो ये कोलाइड कर रहे हैं, ना तो ये डाइवर्जेंट हो रहे हैं। तो दिस इज नीदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, और इस वजह से केवल और केवल यहां पर अर्थक्वेक जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि इस फ्रिक्शन के कारण से यहां पर एक हीट एनर्जी जनरेट होगी, और ये हीट एनर्जी अल्टीमेटली अर्थक्वेक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और यहां पर हमें अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। इस तरीके को हम लोग बोलते हैं फॉल्ट सिस्टम, और ये बेसिकली फॉल्ट सिस्टम हो जाती है व्हेन टू प्लेट मूव पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ में जब मूव कर रही होती हैं। इन दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन टू प्लेट ग्राइंड अगेंस्ट ईच अदर एंड देयर इज नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफॉर्म बट ओनली डिफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म। क्लैरिटी आ गई क्या चीज है। अब हम लोग चला आते हैं वापस से अपने कन्वर्जेंट बाउंड्री पे। हम लोगों ने डाइवर्जेंट बाउंड्री देख रखी थी, डाइवर्जेंट देख रखा है, एक बार मैं वापस से आपको रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। डाइवर्जेंट बाउंड्री में हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो दो प्लेट्स थी, इट डजंट मैटर कि कौन सा मटेरियल की बनी है, एक दूसरे से जब डाइवर्ज कर रही थी तो एक दूसरे के साथ में इस तरीके से हमारा सरफेस बनते आ रहा था रबर बैंड वाला, और यहां पर हमारी पानी भर गई थी, और ये पानी भरने के कारण से हम लोगों ने इसको बोला था कि ये रिफ्ट वैली है। इस रिफ्ट वैली के नीचे लगातार कन्वेक्शन करेंट्स जो है वो लगातार पुश कर रही हैं, वीक सरफेस पाते ही इन लोगों ने यहां पर ज्वालामुखी वगैरह निकाल दिया, और इस तरीके से यहां पर ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन हो गया। वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण से अब आगे क्या हो जाएगा, अब आगे हमारी यहां पर इस तरीके से आइलैंड नेशन वगैरह बन करके आना शुरू हो जाएंगे, तो आइलैंड्स वगैरह निकल आ रहे होंगे इस तरीके से हमारे सरफेस पे। क्लियर हो गया। तो ये देखिए इस तरीके का आप 3D फिगर भी बना सकते हैं, जहां पर ये सारा का सारा वोल्केनिक मटेरियल है और ये ऊपर में छोटे छोटे आइलैंड जो है वो निकल के आ गया है, और यहां पर हमारी वाटर लेवल है, ये हमारी पूरी वाटर है, दिस इज वाटर, इस तरीके से आप बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या चीज है, अभी मैं फोटो दिखाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी क्या चीज है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली तीन चीजें हो रही हैं, एक हो रहा है जो रिफ्ट वैली बन रही थी, रिफ्ट वैली, दूसरी जो हो रही है वो बन रही है मिड ओशियनिक रिजेस, और तीसरी जो बन रही है और वो बन रही है वोल्केनो, और चौथी भी एक और चीज कह सकते हैं कि अर्थक्वेक आ रही है। तो ये बेसिकली ऑल द डेवलपमेंट्स इन द वन सेकेंड दीज आर द ऑल द डेवलपमेंट्स अलॉन्ग द डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब हम लोग जरा कन्वर्जेंट बाउंड्री के साइड में आ जाते हैं। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में हम लोगों ने देखा था कि ये कुछ चीजें होती हैं जहां पर प्लेट इंटरैक्शन होता है। इस प्लेट इंटरैक्शन में हम लोगों ने देखा कि बेसिकली तीन तरीके की चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है जब ये कॉन्टिनेंट आपस में टकराए, दूसरा हो सकता है कि जब कॉन्टिनेंट ओशियन के साथ में टकराए, वही मटेरियल बदल गया ना, और एक तीसरा भी हो सकता है जिसको कि आप बोल सकते हैं कि ये ओशियन ओशियन आपस में टकराए। तो बेसिकली तीन तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है, चौथी पॉसिबिलिटी कोई भी नहीं है। इन तीनों पॉसिबिलिटी को जरा वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओशियन ओशियन इंटरेक्शन की। एक काम करते हैं, ओशियन ओशियन इंटरेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूं। अभी हम लोग पहले बात करते हैं हम लोग अपने किसी और इंटरेक्शन की। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओशियन और कॉन्टिनेंट इंटरेक्शन की। एक काम करते हैं तो सबसे पहले ओशियन कॉन्टिनेंट इंटरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए हमारी मान लेते हैं कि दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये हमारी कॉन्टिनेंट प्लेट है और हमारी ओशियनिक प्लेट है। ऑब्वियसली बात है ओशियनिक प्लेट जो होगी वो इससे कम हाइट पे होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये मान लेते हैं कि ओशियनिक प्लेट है। कम हाइट क्यों हो गई, अभी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस ही कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, जब एक दूसरे की ओर मूव करेंगे तो सीधी सी बात है होगा क्या, एक समय के बाद में टक्कर मारेंगे तो कुछ टक्कर मारने से जस्ट पहले कुछ इस तरीके का आपको सीन देखने को मिलेगा कि हमारा कॉन्टिनेंट है और ये हमारा ओशियन है। अब यहां पर क्या हुआ है, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। किसमें, दोनों में ही। कैसे होगी,
मान लेते हैं कि ये हमारा ओशियन है, ओशियन का इंटरैक्शन है, तो इसमें हल्का फुल्का डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है ये भारी है, हैवी है, लेकिन यहां पर कॉन्टिनेंट में अच्छा खासा डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से डिफॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल, ये जो बल्ज हुआ है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल कहां से आ रहा है? पीछे से आ रहा है, ये सारा एक्स्ट्रा मटेरियल पीछे से आ रहा है, क्योंकि लगातार इसको पीछे से एक पुश मिलता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शन करेंट। तो इस कन्वेक्शन करेंट के कारण से लगातार इसको पीछे की ओर से पुश मिलता जा रहा है, इसको इधर से पुश मिल रहा है, इसको क्यों मिल रहा है? क्योंकि अगेन कन्वेक्शन करेंट, यहां पर भी इसको कन्वेक्शन करेंट के कारण से पुश मिलती जा रही है। क्लियर? यहां पर ये एक तरीके का क्या हाइट ले लिया है, इस हाइट को बोलते हैं कि ये माउंटेन फॉर्मेशन कर दे रहा है, और इस तरीके के माउंटेन को हम लोग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो बेसिकली ये बन गया है फोल्ड माउंटेन। यहां पर क्या ये बल्ज ले रहा है, हाइट ले रहा है थोड़ा थोड़ा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो माउंटेन ऑफ ओशियन, या इसी को बोलते हैं हम लोग रिजेस, हिंदी में इसको बोलते हैं कटक। तो रिजेस फॉर्मेशन हो गया। तो बेसिकली एक चीज समझ में आ गया कि कॉन्टिनेंट साइड में जब भी अगर बात करेंगे तो कॉन्टिनेंट साइड में और इधर ओशियन साइड में लिख देते हैं, कॉन्टिनेंट साइड में जो बनेगा वो फोल्ड माउंटेन बन रहा होगा, जबकि ओशियन साइड में रिजेस वगैरह बन रहे होंगे। क्लियर? अब देखिए फिर और आगे क्या होगा, आगे जब भी आएंगे तो इसके बाद से क्या होगा कि अब लगातार इसको इसको पुश मिलता ही जा रहा है, पुश मिलेगा तो अब क्या होगा, विद द टाइम बीइंग ये जो हल्की जो भारी वाली प्लेट है वो अब नीचे चली जाएगी, ये अब नीचे चली जाएगी। तो नेक्स्ट फिगर आपको कैसा देखने को मिलेगा, ये मान लेते हैं इस तरीके से हमारा कॉन्टिनेंट है, और ये हमारी मान लेते हैं कि ओशियन हल्का फुल्का डिफॉर्म, और ऐसे आपको नीचे की ओर में एक शिफ्ट मिल जाएगा। वन सेकेंड, लेट मी थोड़ा सा और बढ़िया से ड्रॉ कर दूं। तो यहां पर देखिए हमें इस तरीके से एक हल्का सा यहां पर बल्ज मिलेगा, एंड देन इट मूव टू डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। तो जब डाउनवर्ड मूव करेगी तो अब यहां पर जरा एक काम करिए, ये देखिए यहां पर ये हमारा कॉन्टिनेंट का प्लेट है, दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट, और यहां पर ये हमारा फोल्ड माउंटेन वगैरह आ गया है, कलर कर लेते हैं, यहां पर हमारा फोल्ड माउंटेन आया है, यहां पर हमारा फोल्ड माउंटेन आया है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ फोल्ड माउंटेन वगैरह जनरेट हो रखे हैं, यहां पर आ गए, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, ये फोल्ड माउंटेन जनरेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक सरफेस यार खाली सा पड़ा हुआ है, व्हाट इज दिस? तो यहां पर ये देखिए ये एक एरिया जो है आपका खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो नीचे चली गई है, तो नीचे चलने के कारण से बारिश होगी और यहां पर पानी भर जाएगा, और इस तरीके के सरफेस को आप बोलेंगे पानी, तो ऐसे हालांकि ये पूरा भरा हुआ है, दिस इज प्योरली पूरा वाटर। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है यहां पर हाइट कम है, तो सीधी सी बात है यहां पर पानी ये पूरा का पूरा भरा हुआ होगा। और अंडर द सी यू विल सी हियर द रिजेस, ये रिजेस बने हुए होंगे, ऊपर तो पानी भरा हुआ है, यहां पर देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है? ये पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि भाई सरफेस तो बराबर ही होगा, क्योंकि बैलेंस करना है। तो इस तरीके से यहां पर पानी देखने को मिलेगा, और ये जो इलाका है बेसिकली आपका, ये जो इतना इलाका है जिसको मैं पूरी तरीके से कलर कर रहा हूं, इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कि ओशियन के सहारे आप ये सोचेंगे यहां पर यार चलो यहीं से जब कूदेंगे तो स्विमिंग पूल बना रहेगा, आराम से तैरते हुए निकल जाएंगे, स्विमिंग पूल बना होगा, तैरते हुए निकल जाएंगे। लेकिन होगा क्या, जैसे ही आप यहां कूदेंगे क्या बहुत अच्छा खासा डेप्थ मिल जाएगा आपको यहां पर। अब क्यों डेप्थ मिल जाएगा? क्योंकि यहां पर अब ट्रेंच फॉर्मेशन हो गई है। तो यहां पर जब आप देख रहे हैं तो दिस इज बेसिकली ट्रेंच फॉर्मेशन यहां पर हो रखी है, जिसके कारण से जब भी आप कूदेंगे भी अगर तो आप डूब जाएंगे नीचे। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली ट्रेंच क्या है। तो यहां पर बेसिकली ट्रेंच फॉर्मेशन भी हो रही है। ट्रेंच को बोल सकते हैं कि यहां पर इसको हिंदी में बोलते हैं गर्त, गड्ढा, तो गर्त बन जा रही होती है। ये हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। अच्छा अब जरा ध्यान से फिर से सुनिएगा, यहां पर हम लोगों ने एक चीज देख लिया, ये जो सरफेस है ये नीचे गया हुआ है, और ये कौन सा सरफेस है? ये सरफेस है हमारे बसाल्टिक मटेरियल का है। बसाल्टिक मटेरियल का मतलब हो गया कि ये ओशियनिक मटेरियल जो कि मैं कलर कर रहा हूँ, रिजेस वगैरह बनाते हुए मैं ये कलर कर दिया हूं, और इस तरीके से हमारी ओशियनिक प्लेट बन गई है। विद द टाइम बीइंग और नीचे जाएगा, जैसे ही नीचे जाएगा, नीचे क्या है, नीचे आपका पड़ा हुआ है ये देखिए, ये हमारा ऊपर क्रस्ट था, फिर इसके नीचे हमारा मेंटल है, ये हमारा मेंटल आ जाएगा। जैसे ही ये सरफेस ऊपर से जाते 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 नीचे मेंटल में आएगा, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्रस्ट था। इस तरीके से यहां पर हमारी ऐसे माउंटेन वगैरह बनी है, और ये इस तरीके से हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, जो कि कहां मूव कर रहा है, ये हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट हो गया, ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट, और ये हमारी जो मरीन प्लेट है या फिर ओशियनिक प्लेट है, और पानी वगैरह यहीं पर भरा हुआ है। फोटो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बट ये है कि क्लैरिटी अच्छी आ जाती है।
यहां पर मान लेते हैं कि पूरा का पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो इस सरफेस को मैंने बस अर्थ के सरफेस पे आपको दिखा दिया है, जैसे ही अंदर घुसेगा वैसे ही, अब ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, जैसे ही ये अंदर जाएगा वैसे ही लगातार ये नए यहां पर कन्वेक्शन करंट जो जनरेट होकर रखी हुआ है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, जैसे ही बना हुआ है क्या एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे ही पहुंचेगा यहां पर पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और जाते ही तुरंत पिघल जाएगा। जब जाते ही पिघलेगा तो सीधी सी बात है क्या ये एक प्लेट में एक्स्ट्रा स्पून के रूप में आ जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाएगा इतना। जैसे ही एक्स्ट्रा मटेरियल आएगा जैसे ही पिघलेगा वैसे ही क्या हाई प्रेशर जो है वो और हाई प्रेशर में बदल जाएगा, सुपर हाई प्रेशर में। सुपर हाई प्रेशर में हो जाएगा तो सीधी सी बात है अब ये लगातार जो पुशिंग कर रही थी वोल्केनिक मटेरियल क्या और पुश करना शुरू कर देगा। ये पुश करेगा तो सीधी सी बात है अब ये खोजेगा वीक सरफेस। बताओ भाई वीक सरफेस कहां पर है? तो वीक सरफेस जब आप चेक करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है यहां से लेकर के यहां तक का, अगर मान लेते हैं कि वन सेकेंड, ये मटेरियल मान लेते हैं कि ये पिघल गया है। पिघलने के कारण यहां पर एक टूटेगा, भाई सीधी सी बात है यहां से अगर पिघला है तो सीधी सी बात है इस सरफेस से, इस सरफेस से डिडक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन जहां से मटेरियल टूटा है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट सबडक्शन जोन है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन खैर बाउंड्री पे मान लीजिए एस्थोनोस्फीयर के और मेंटल के बाउंड्री पे हो जाती है हमारी इस तरीके से, यहां पर सबडक्शन जोन आ जाती है। ये देखिए यहां पर और क्लियर दिखा देता हूं, सबडक्शन जोन आ रही है। क्लियर हो गया? ओके, तो सबडक्शन जोन आपको समझ में आ गया। अब यहां से क्या होगा कि जैसे ये मटेरियल उठेगा अब ये वीक सरफेस खोजेगा। वीक सरफेस कहां मिलेगा हमें? क्या कॉन्टिनेंट पे मिल जाएगा? इस सरफेस पे इधर के साइड में मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा या राइट साइड में मिलेगा? ऑब्वियसली राइट साइड में मिलेगा, क्योंकि यहां पर रप्चर हो रखी है, सरफेस वीक हो रखा है। और जैसे ही यहां पर वोल्केनिक एलिमेंट मिलेगा वैसे ही क्या यहां पर ज्वालामुखी निकल जाएगी इस तरीके से, और यहां पर ज्वालामुखी इस तरीके से देखने को हमें मिल जाएगी। और ये जो ज्वालामुखी है अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ये अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ यहां पर छोटे छोटे आइलैंड वगैरह बना दे सकती है। यानी कि जो माउंटेन बनेंगे वो लिथोस्फेरिक माउंटेन, जो सॉरी फोल्ड माउंटेन जो है वो वोल्केनिक नेचर के होंगे, यहां से वोल्केनो निकल सकता है, जैसे हमें अंडमान निकोबार के पास में देखने को मिल जा रही होती है। क्लैरिटी आई क्या चीज है? तो काफी मेहनत करनी पड़ी लेकिन आपको क्लैरिटी आ गई होगी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, जरा इसको जरा इरेज कर रहा हूं मैं, तो आप लोग अपने नोटबुक में मिला लीजिएगा। यहां पर जब आप देखेंगे तो देखिए ओशन इंटरेक्शन का मतलब ये हो गया, ओशियन और कॉन्टिनेंट, सॉरी है यहां पर वन सेकेंड, दिस इज ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच का इंटरेक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर जो है व्हेन ओशियनिक प्लेट कोलाइड विद अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, द ओशियनिक प्लेट इज ऑलवेज पुल्ड अंडर एंड सबडक्टेड, बिकॉज कहां? बीनीथ द क्रस्ट या इनटू द मेंटल, या आप यहां पर लिख सकते हैं और इनटू द मेंटल, बिकॉज इट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट। व्हेन द ओशियनिक प्लेट इज सबडक्टेड अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट इट लीड टू जनरेशन ऑफ न्यू मैग्मा। न्यू मैग्मा क्यों? क्योंकि नया मेल्टेड मटेरियल आ गया, मेल्टेड मटेरियल आ गया और ये पिघल करके आपको इस तरीके से दे देगा। विच अपवेल एंड फॉर्म्स वोल्केनो ऑन द नॉन सबडक्टाइल प्लेन। अब देखिए वोल्केनो के फॉर्मेट में निकल जाएगा, और निकलेगा कहां से? जो नॉन सबडक्टाइल है मतलब जो नीचे नहीं गया, यानी कि कौन नहीं गया है? कॉन्टिनेंट नीचे नहीं गया है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर में वोल्केनिक मटेरियल निकल करके आ जाएंगे। और द कॉन्टिनेंटल प्लेट देखिए लिखा ही हुआ है, द रिजल्टिंग बॉडी ऑफ सच एन इंटरेक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक आर्क्स। तो इस तरीके से हमें कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक आर्क्स देखने को, आर्क का मतलब कुछ नहीं होता है, आइलैंड ग्रुप होती है, दिस इज बेसिकली आइलैंड ग्रुप। जैसे आप 3D फिगर में जब आप देखेंगे तो वोल्केनो यहां से भी निकलेगा, 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 इनफैक्ट हर जगह से निकलेगा। तो बेसिकली वोल्केनो के कारण से आइलैंड, दूसरा आइलैंड, तीसरा आइलैंड, चौथा आइलैंड, पांचवा आइलैंड। तो आपको बेसिकली क्या दिखा, इस तरीके का एक आर्क देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग आइलैंड आर्क, या आइलैंड आर्क हमारा बन गया। तो देखिए कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक आर्क हमें देखने को मिल जाएंगे। द मोस्ट विजिबल एग्जाम्पल इज एंडीज माउंटेन ऑफ द कोस्ट ऑफ US। तो इस तरीके से एंडीज माउंटेन हमें, एंडीज माउंटेन, हाँ यस, एंडीज माउंटेन ऑफ द, एक्चुअली नॉट एंडीज, दिस विल बी रॉकीज होगा, रॉकीज के पास में गलत लिख दिया, यूएस नहीं, और अगर एंडीज लिखना भी है तो साउथ अमेरिका के पास में आ जाएगा। तो जब नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो यहां पर हमें रॉकीज में कुछ वोल्केनिक माउंटेन मिल जाते हैं। सिमिलरली हमें एंडीज के पास में बहुत सारे भी, साउथ अमेरिका में बहुत सारे हमें माउंटेन मिल जा रहे होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आपकी अलग अलग फॉर्मेट में हो जाता है, जैसे लेक टिटिकाका के पास में भी होता है, बोलीविया के पास में होता है। तो काफी ये सब
वोल्केनिक माउंटेन हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। तो क्लैरिटी आ गई क्या चीज है, ओशन और कॉन्टिनेंट हम लोगों ने देख लिया, ओशन कॉन्टिनेंट के बारे में देखने के बाद अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और आगे जरा देखते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। तो ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है, तो वी आर बेसिकली नाउ फोकसिंग कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट इंटरेक्शन। अब देखिए कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट इंटरेक्शन जब आप देखेंगे तो ये हमारी कॉन्टिनेंट है, ये मान लेते हैं दूसरी कॉन्टिनेंट है, दिस इज कॉन्टिनेंट नंबर वन, दिस इज कॉन्टिनेंट नंबर टू। अब बेसिकली क्या हुआ है कि फोर्ड की गाड़ी को हम लोग फोर्ड से ही गाड़ी को लड़ा रहे हैं, मतलब बेसिकली कोलिजन टेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से ये बोल सकते हैं। तो चलिए फिर कोलिजन टेस्ट चला करा देते हैं, ये प्लेट इधर आई, ये प्लेट इधर आई, दोनों एक दूसरे के पास में आएगी, दोनों एक दूसरे को तोड़ रही होगी, जब तोड़ रही होगी तो दोनों के दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होंगे और दोनों ही क्या डिफॉर्म हो रहे होंगे इस तरीके से, क्या दोनों ही डिफॉर्म हो रहे होंगे। लेकिन आगे क्या होगा यहां, तो चलिए ठीक है एक तो समझ में आ गया कि फोल्ड माउंटेन तो बनेगा ही बनेगा, दैट इज फॉर श्योर। आगे क्या होगा, क्या कोई नीचे जाएगा या कोई क्या कोई ऊपर आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी देखिए अगर ग्रेनाइट का बना हुआ है तो ये भी तो ग्रेनाइट का ही बना हुआ है, क्यों कोई नीचे जाएगा, नीचे जा ही नहीं सकता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, आपस में एक दूसरे को ये इंटरेक्ट कर रहे होंगे, फोड़ रहे होंगे, तोड़ रहे होंगे, फोल्ड माउंटेन बना रहे होंगे, फोल्ड माउंटेन बनाने के साथ साथ ये लोग क्या कर सकते हैं कि अर्थक्वेक लेकर के आएंगे, क्योंकि साउंड एनर्जी जनरेट हुई है, तो साउंड एनर्जी अल्टीमेटली अर्थक्वेक एनर्जी में जनरेट हो जाएगी, सिस्मिक एनर्जी में जनरेट हो जाएगी, और ये दोनों फोल्ड माउंटेन और सिस्मिक माउंटेन या फिर फोल्ड माउंटेन और अर्थक्वेक इस तरीके से जनरेट हो जाएगी। यहां पर जब आप देखेंगे तो देखिए व्हेन द कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट कन्वर्ज द क्रस्ट एट बोथ द साइड इज टू लाइट एंड बायंड टू बी सबडक्टेड, तो नीचे नहीं जा पाएगी, तो टू लाइट है सबडक्ट नहीं हो पाएगी। सो नीदर प्लेट इज सबडक्टेड इन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री, बोथ कॉन्टिनेंटल मास प्रेस अगेंस्ट ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्टीमेटली लीड टू सिंगल ब्लॉक विद अ फोल्डेड माउंटेन बन जा रहा होता है। क्लैरिटी आई क्या चीज है, किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये हमारा हुआ पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे हिमालय में इसी तरीके का सिस्टम हो रहा होता है, जहां पर एक साइड में इंडियन प्लेट है जो मूव कर रही है और दूसरे साइड में हमारी यूरेशियन प्लेट है, इस यूरेशियन प्लेट में इस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, अल्टीमेटली हिमालय का जनरेशन होते आ रहा है। जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी ओपन करेंगे तो वहां पर हम लोग बात करेंगे अल्टीमेटली हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर, क्योंकि टेथिस सी वगैरह का भी सीन आ जाता है, देखेंगे क्या कुछ है। क्लैरिटी आ गई क्या चीज है। तो देखिए ये कुछ मटेरियल है, जैसे आप फोटोग्राफ देख सकते हैं कि मान लेते हैं मेंटल है, यहाँ पर मैग्मा फॉर्मेशन है, ये हमारी ओशियनिक प्लेट है, देखिए नीचे चली गई बीनीथ द सरफेस, और ये हमारा देखिए यहाँ पर ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्लस्ट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहाँ पर नीचे गया वोल्केनिक मटेरियल, ये पिघला वोल्केनिक मटेरियल जनरेट हुआ और अल्टीमेटली वोल्केनो, और यहाँ पर ये मटेरियल आ गया। ओशियनिक प्लेट है, यहाँ पर देखिए ट्रेंच बन गया है और ये हमारा पानी का भरा हुआ है, तो ओशियनिक क्रस्ट, ये सब क्लियर हो गया। तो ये हमारी सीन हो जाती है। सिमिलरली देखिए अगर देखेंगे आप तो वही यहाँ पर भी बना हुआ है कि हमारा इस तरीके से वोल्केनो यहाँ से निकल के आएगा एंड दिस विल बी बेसिकली वोल्केनिक आर्क इस तरीके से जनरेट हो जाएगी, कहां पर, ओशियन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट ओशियन कॉन्टिनेंट वाले इंटरेक्शन पे। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर भी जब आप देखेंगे तो देखिए ये बीच में हमारी फोल्ड माउंटेन्स वगैरह बनी हुई है, ये हमारा ओशियन है, इस तरीके से हमें वोल्केनिक मटेरियल देखने को मिल जाता है। ये क्या है, ये बीच में आपको जो दिख रहा है ये बेसिकली रिफ्ट वैली है, दिस इज बेसिकली रिफ्ट वैली, और इस तरीके से हमें इंटरेक्शन जनरेट हो रही है। यहाँ पर साइड में माउंटेन बना हुआ है क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो भाई थोड़ा थोड़ा तो डिफॉर्म हुआ ही था, और बीच बीच में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आइलैंड आर्क वगैरह बन करके रखे हुए हैं अलग अलग जगहों पे, क्योंकि वोल्केनिक मटेरियल निकल करके आया हुआ था ओशियन में। दिस इज अगेन द सेम थिंग, यहाँ पर देखिए ये रिजेस का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर किस तरीके से ऐसे ऐसे रिजेस बने हुए हैं, और यहाँ पर आपका बीच में रिफ्ट वैली बनी हुई है और यहाँ पर आपका माउंटेन वगैरह बन गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सिस्टम। क्लियर हो गया। तो ये चीज थी हमारी पूरी की पूरी सिस्टम हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्टोनिक माउंटेन और साथ में ओशियन ओशियन इंटरेक्शन बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है तो इस वजह से मैं इसको अभी इस क्लास में नहीं ले रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और इंक्लूड करेंगे चीजों को, तो आपको ओशियन ओशियन इंटरेक्शन भी समझ में आ जाएगा और अल्टीमेटली वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर विद द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन करके वहां पर अपने डाउट को रेज करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।